Hello and welcome to Telly Express, your one-stop destination for all reality shows news. दोस्तों, AR रहमान से क्यों लड़ पड़े आदित्य नारायण? देवोष्मिता की वजह से क्या कुछ हुआ है और क्यों उठाया है इतना बड़ा कदम आदित्य नारायण ने? चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली एक्सप्रेस की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 के मंच पर आए एआर रहमान, ऑस्कर विनर एआर रहमान, जो कि हिंदी पैच ऑस्कर विनर एआर रहमान जो कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की आन बान और शान है, उनसे आदित्य नारायण ने लड़ाई कर ली देवोष्मिता की वजह से। हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर एआर रहमान अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स बताने लगे और ऐसे में एआर रहमान ने देवोष्मिता का नाम नहीं लिया और इस बात पर आदित्य नारायण ने कहा, अरे रहमान जी, आपने जिन कंटेस्टेंट्स के नाम लिए उसमें से जो हमारे शो की असली मणि है, नागमणि कह लीजिए या यूं कहें कोहिनूर हीरा, वो है देवोष्मिता। आपने अभी तक उसकी सिंगिंग को नहीं सुना और इसलिए आपने अभी तक उसका नाम नहीं लिया। तो लीजिए, अब मैं आपको पहले उसकी सिंगिंग सुनाता हूँ और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपका फेवरेट इस शो में कौन है। ऐसे में एआर रहमान भी हैरान हो गए कि किस तरह से आदित्य नारायण ने उनकी बात को काट दिया और बीच में ये बात शुरू कर दी। लेकिन साफ हो चुका है कि अब आदित्य नारायण अपनी बहन देवोष्मिता के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे, क्योंकि समझ चुके हैं आदित्य नारायण कि अगर देवोष्मिता को इंसाफ दिलवाना है तो उनको स्टैंड लेना होगा, वरना वही होगा जो सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में मणि के साथ हुआ था और इंडियन आइडल सीजन 12 में अरुणिता के साथ हुआ था। आप क्या कहेंगे देवोष्मिता के लिए, कमेंट्स में आप हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।